कोशिश करनी है ना, क्योंकि यीशु बिना कोई समझदा हो अगर वो उस विच खयानत करेगा तो अल्लाह उसने पकड़ लिया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदे ने हमने एल्यूमिनियम लगाई तो जो इस फन का माहिर होगा जब वो देखेगा तो महसूस होगा इस तरह इस तरह, लेकिन आम आदमी महसूस करेगा नहीं करेगा, उसको पता नहीं है कि जो एल्यूमिनियम है ये केड़ा नंबर लगा है, शीशा केड़ा नंबर लगा है। सीलिंग का काम करने वाला जो सीलिंग देखेगा तो वो आखेगा इस तरह इन्हीं है, लेकिन जरा नहीं जानता वो तो ऐसी बात नहीं करेगा। हूँ जानते हुए अगर वो गड़बड़ करेगा करेगा उसे पूछेगा, ये तो दुनिया के मामले में दीन वाला ऐसा शोभा है जैसे ईमान का नाम का गड़बड़ हो जाता। और मैं एक दो चीज़ों में हर जगह से परेशान हूँ, इससे मैं कभी झिझक नहीं की रखती। मैं जरूर अर्ज करता हूँ अक्सर दिल करे मन लगे ना दिल करे ना मन, यही बात। एक तो मेरा कभी ये दिल नहीं आ रहा कि भाई स्टेज से खिलाफ शरीयत हो रही है, हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि स्टेज से कम अज कम शरीयत वाले ना हो रहे हैं, सब की नजर उन नजर पा रही है वो भी देख के अल्लाह के साहिब शरीयत हो जाए। दूसरा एक रूटीन बड़ी बड़ी है, मेरा दिल करता है आज खान लोगों कोई ना देखा करे अपनी गप शप देख रहा अद्धा घंटा हो गया, अगर ये दो छे को दो चार दिन बैठते ये समझ लेते हैं ये दो नातां और पढ़ सकते हैं किसे लगे से, लेकिन वो की है नियत अच्छी है सच्ची है पता नहीं होता। वो समय इधर पर लोग खुश हुए तो फिर मेरा काम ठीक हो जाएगा, तो असल बात आके ना हुजूर दी पढ़ लिया है कि एक शेर नबी पाक ने पसंद कर लिया ता काम ठीक है। फिर असी इस शोबे के अंदर ना है आला हजरत फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप किसे इलाके दे सरबरा ने बात की बारे थोड़ा जन मेरी शान है कोई कदा शेर लिखते हो शायद जाह जाहिर लोगों की तारीफ के अंदर बात करते सन, तो आपने जवाब में की लिखा कि करो बदहा अहले दवल रजा बड़े इस बला से मेरी बला मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारा है नान है। लेकिन बंदे खुश होते हैं जो नबी पाक खुश हो गए एक एक बच्चा ही खुश हो गया, लेकिन वो की है वो सारा टाइम किसी ने अंदर सारे करता है, फिर कभी अशार माने कभी किसी आलिम ने चेक नहीं किया। गलती तो खुदा माँ को भी हो सकती है ये बात नहीं, लेकिन कम अज कम शेर जिसने लिखे लोग किसी आलिम ने अगे रख दे थोड़ी जी सेटिंग कर दे उसके बाद सारी जिंदगी पढ़े अंदर अपने नाम के अजीब रोला शिकार है जो जो मर्जी को करता रहे, क्योंकि कभी किसी ने पूछा भी नहीं डांटा भी नहीं रोकया भी नहीं। वो हुण उसके अंदर मसला की पैदा होता है मसला पैदा होता है जो गलती अगर चलती रहेगी तो जैसे चुप करके बैठा रहे चलो खैर होगा। इस तरह अजीब बात है जो तो मैं फिर ना सिर्फ हजूर से तारीफ होनी चाहिए, अगर उन्होंने कहा जाए कि हाँ जी
लेकिन
ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਤੇ 9 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੈਗ ਪਕੜ ਲਈ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛਡਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਮਦੀਨ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾਥ ਪੜਦੇ ਇਹ ਉਹ ਫਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਸੀ ਕਮਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਬੜੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਨ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ अब मैं तुहानू सिखाण लई एक बच्चे ने मेरा दो चार शेर नाज पढ़ाना ये तुहाडे वास्ते ने भला ओ की आदा पहला मिसरा के दूआ है के चौथा है पंजवा है ये इसलिए ना ओ प्रोफेशनल नाज खान नहीं है टीचर है एम फिल कीता है ने कि पीएचडी शायद अगे करना चाहते ने लेकिन असी अपने नाल सिर्फ महफिल वास्ते नाज पढ़ना तुहाडे वास्ते नहीं हुण तुहानू हुण मैं समझाण लई दो शेर सुनो हां जी चेक करके देख लो भाई अल्लाह की रजा ली पढ़ने वाले का जोर की है पैसे वाले वास्ते पढ़ रहा हूं